क्यों तोड़ रहे हो ये? क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? क्यों रहे हो ये? तोड़ क्यों रहे हो? ज़ूम करके बना रहा हूँ। क्यों तोड़ रहे हो ये? क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो ये? तोड़ क्यों रहे हो? ज़ूम करके बना रहा हूँ। क्यों तोड़ रहे हो? मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ, पानी का कनेक्शन लगा रहा हूँ। आप म्युनिसिपैलिटी से हो? नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं दारबन रिपोर्ट्स। और अभी जो है मैं पुलडोड़ा के जो है डोडा वाली तरफ हूं। और जो है आपको ये मैं बता दूं कि TLR के ऊपर एक न्यूज़ जो है कुछ दिनों पहले जो है चलाई गई थी, जब ये पुल जो है वुडन ब्रिज जो है वो वहाँ पर थोड़ा बहुत था, लेकिन अब नहीं है। उस तरफ भी दिखाइए कि वो वुडन ब्रिज जो है अब यहाँ पर जो है निकाल दिया गया है। और आप जानते हैं कि वो क्यों यहाँ से उखाड़ दिया गया, और अब उसका सिर्फ ये दो स्तंभ जो है वो निशान रह चुके हैं, बाकी पुल अब जो है वो नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताया कि TLR की जो है एक खबर जो है TLR ने की कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फाइबर के जो है टॉयलेट जो है वो लगाए गए थे बहुत सारी जगहों पर। और उसी में डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी जो है आप देख सकते हैं कि पुलडोड़ा के जो ब्रिज है उस पुलडोड़ा के ब्रिज के बिल्कुल साथ में जो है इसको लगाया गया। और ये टूरिज़्म की तरफ से, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है टूरिज़्म का हट भी है, और इसमें टूरिस्ट तो नहीं लेकिन कुछ कबाड़ वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकट्ठा है, और कोई कबाड़ी यहाँ पर रहता है। ये देख लीजिए, ये कबाड़ी है यहाँ पर, यही यहाँ पर रहते हैं और यही यहाँ पर इनका जो है कहीं ना कहीं बैठने के लिए जगह है, क्योंकि इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादा लोगों का जो है काम उस तरफ रहता है, और उस तरफ वाली साइड यानी कि जहाँ से ठाठरी से और जम्मू से और पुलडोड़ा की ओर जो है जाया जाता है, आप जानते हैं, आप बेखूबी यहाँ से अगर चलते होंगे तो आप जानते हैं कि उस तरफ ज़्यादा रश होता है, टूरिस्ट भी उसी तरफ आते हैं। इस तरफ जो है अब कम लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परसों जब न्यूज़ TLR की यहाँ पर चली तो दिखाया था कि किस तरीके से जो है वॉशरूम यहाँ पर बना है, लेकिन टूट गया यहाँ पर जो है नल, किसी ने तोड़ दिया है, नल चुरा दिया। वो खबर आपने देखी थी राजकुमार जी की, उसमें उन्होंने कम्प्लीटली दिखाया था कि किस तरीके से लोग जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है डैमेज करते हैं और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना अपनी प्रॉपर्टी जो है नहीं समझते। और ये इतने अच्छे लोकेशन पर है, दरिया नीचे है और ऊपर, क्योंकि किसी को भी दिक्कत हो सकती है जो है, किसी को भी वहाँ पर अगर वॉशरूम वगैरह जाना उस, और जो है आप जानते हैं कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है, NH 44 के ऊपर जो है वाइडिंग का काम चल रहा है, तो उस और जो है अभी ये सब चीज़ें बना कर जो है वो नहीं लगाई जा सकती, वो नहीं इंस्टॉल की जा सकती, लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इस और जो है वो लगाया है, और इस और जो है ये वॉशरूम यहाँ पर सेटअप किया था जो लोगों के ही काम आते, लेकिन इनको ताले यहाँ पर बंद थे, क्योंकि इन्होंने भी इसलिए ताले बंद करके रखे थे क्योंकि यहाँ पर लोग आके तोड़फोड़ जो है करते हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है नहीं समझते, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझते। और यहाँ पर नल किसी ने निकाल के जो है ले लिया था। अभी देखिए जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कुछ लोग जो है जो उनके मुलाजिम है वो यहाँ पर आए हैं। और जी कौन है आप? होम सेवा कंपनी से। होम सेवा कंपनी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। तो आपको किसने यहाँ पर बोला कि आप जाके रिपेयर करें यहाँ पर? होम सेवा कंपनी से हमें ऑर्डर मिला जी। होम सेवा कंपनी ने, उन्होंने खबर देखी थी हमारी जी? पता नहीं, खबर नहीं देखी थी भी, हमने इसको चालू करना था हमारे पास। आपने खबर देखी? जी मैंने खबर देखी। आपने खबर देखी थी, तो आपको क्या लगा कि आप ये चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, आप काम करते हैं, अभी आपने लगा लिया, आप कुछ टाइम के बाद कोई आके ले जाएगा, तो कैसा फील होता, क्या क्या कहोगे? सर बहुत बुरे लोग हैं यहाँ, और क्या कहेंगे, लोगों के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है। देखो जैसे मैं आज सुबह से मैं पानी फिट कर रहा हूँ, ऊपर से मैंने इसको चालू कर दिया, अब कल शाम को कोई तोड़ के ले जाएगा, आज ही तोड़ के ले जाएगा, तो ये तो वेस्ट है बिल्कुल। मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि कोई इसको तोड़, पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, पैसा लगा रही है तो हम लोग इसको उजाड़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसकी केयर करनी चाहिए हमें, ना कि पानी कहाँ से लगाया आपने? जी सर मैंने वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ऊपर, वहाँ पे चश्मा वगैरह? जी जी चश्मे से लगाया, मतलब कंटिन्यू 24 घंटे पानी, 24 घंटे पानी चलेगा सर। तो अच्छा, अच्छी जगह पर है? बिल्कुल सर, अच्छी जगह पे है। तो देख सकते हैं कि पानी जो है अब यहाँ पर चालू कर दिया गया है, टंकी भी ऊपर है और कंटिन्यू जो है पानी, दो टंकियाँ ऊपर है, और इनको भी देख सकते हैं आप कि ये जो
जो देख पा रहे हैं जंजीरें जो लगी हुई हैं वो इसलिए है कि कोई टंकी उठा के ना ले जाए, क्योंकि हिंदुस्तान है इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कैमराज भी चोरी कर देते हैं। अगर इसको दिखाने के लिए वहाँ पर कैमरा लगा देंगे कि कोई इसको चोरी ना करे, चोर नज़र में आ जाए तो कैमरा ही चोरी कर देंगे ऐसी जगहों पर। तो ये हकीकत है और ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, ये माहौल जो है बदलना चाहिए, लोगों के अंदर जो है बदलाव आना चाहिए, उनकी एजुकेशन के अंदर ये चीज़ होती है। एजुकेटेड लोग मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन अनएजुकेटेड लोग ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है। और आप देख सकते कि ये जो है वॉशरूम भी आपको मैं दिखा दूं कि साफ सफाई क्या है इस वॉशरूम की, लेकिन आप एक महीने के बाद यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर गंदगी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपना वॉशरूम जो है इसको नहीं समझेंगे और जो है यहां पर गंदगी करके चले जाएंगे, पत्थर गिरा देगा कोई, कोई कुछ कर देगा। और ये जो वॉशरूम्स जो है बनाए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चीज़ें की हुई है कि जो है स्वच्छ भारत अभियान यहां पर जो है चलाया जाए, कहीं पर भी गंदगी ना हो, चीज़ें ना हो। जिस तरीके से जो है यहां पर देख सकते आपकी चिनाब हमारा है, चिनाब में कोई गंदगी ना करे, उसमें कोई गंदगी ना डाले, ये साफ सुथरा हो, इसलिए जो है ये चीज़ें इंस्टॉल की गई है। लेकिन लोगों से फिर से यही है कि लोगों से ही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी जगहों को आप बचा के रखिए, ये आपके लिए बनाया गया है। और ये जो है डिपार्टमेंट्स ने, भले ही कोई भी डिपार्टमेंट बनाए, चाहे टूरिज्म बनाए, चाहे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बनाए, ये हमारी चीज़ें हैं और देख सकते कितनी साफ़ है, अभी नई है। और आप जो है जब भी इसको यूज़ करें तो अच्छे से यूज़ करें, साफ़ सफाई से यूज़ करें, ताकि जो है आपको जो है ऐसी सुविधाएं जो है मिलती रहें। आपकी जो जो हमारी फीमेल्स जो है वुमेंस होती हैं, वो वुमेंस बाहर में शौच ना करें कहीं, क्योंकि ये पुलडोड़ा का एरिया है, बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ पर होते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेस ऐसी नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं उनको मैं बताना चाहूँगा कि उस और जो है आप ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं उस और से जो है आपको डोडा की ओर जो है आना है, और डोडा के इस हट के बिल्कुल साथ में जो है आपको ये फाइबर का जो है वॉशरूम मिलेगा और आप यहाँ पर शौच कर सकते हैं, आकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं TLR की इम्पैक्ट स्टोरी का असर यहाँ पर हुआ है। और हम देख सकते हैं कि आज जो है साफ़ सफाई हुई है और यहाँ पर अब जो है ये खुला भी यहाँ पर रहेगा पब्लिक के यूज़ के लिए जो है, पब्लिक के यूज़ के लिए जो है खुला। उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक के जो है यूज़ के लिए जो है ये खुला रहे और यहाँ पर ताले ना लगे हों, क्योंकि ताले जो है इसको लगा दिए जाते हैं इस डर से कि कोई गंदगी ना करे। अब मुझे लगता है कि इसको ताले खुले ही रहेंगे और तारे खुले रहकर लोग ताकि यहाँ पर यूज़ कर पाएँ, और यूज़ हो तो साथ साथ में डेली इसकी सफाई होती रहनी चाहिए, ताकि जिससे जो है ये लंबे समय तक जो है चले। और आप क्या कुछ कहते हैं इस चीज़ को लेकर, आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप राय अपनी दे सकते हैं। और ये लोकेशन कहीं ना कहीं साइड पे ठीक है, क्योंकि रश भी नहीं होगा और आराम से आप शौच करके यहाँ से निकल सकते हैं। एक बार फिर से मैं जो है आपको कम्प्लीटली दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से, कि आप यहाँ पर जो है तस्वीरों के माध्यम से देख पाएँ, अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये पुल है, ये पुलडोड़ा की ओर है, ये पुलडोड़ा वाली साइड है, पुलडोड़ा वाली साइड में ज़्यादा रश रहता है, ये डोडा वाली साइड है। यहाँ से आप हमेशा इस मोड़ से गुजरते होंगे, इस मोड़ से होते हुए जाते होंगे। यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट एक हट है, देख लीजिए ये हट है, और ये हट कि ये बेघर है, इनके पास घर नहीं होगा तो ये यहाँ पर रह रहे हैं। और देख बाथरूम आप देख सकते हैं कि बाथरूम बिल्कुल साथ में है, और ये बाथरूम जो है कहीं ना कहीं जो है आप खुले रहें, और अगर ये खुले यहाँ पर छोड़ भी देते हैं तो हो सकता है कि ये भी यूज़ करें यहाँ पर, ये भी गंदगी वहाँ पर डालें जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें इकट्ठा की हैं, हो सकता है कि उधर भी जो है वो चीज़ें इकट्ठा वो करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है बाथरूम की हालत जो है कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद हम जब आएंगे तो इसकी हालत ऐसी ही साफ़ होगी। और हमारा काम जो है वो दिखाना है, सच दिखाना है, और जो है चीज़ें बदलें, हमारे दिखाने से बदलाव हो, उसी बदलाव को दिखाने की कोशिश भी करें कि हमारे दिखाने से चीज़ें बदलती भी हैं, हमारे दिखाने से काम होते भी हैं, लेकिन आपका मकसद उनको जो है रिपेयर करना, उनको ठीक करवाना, उनको सही करवाना है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि किस तरीके से पब्लिक डोमेन में पब्लिक के जो है काम किए जाएँ और पब्लिक डोमेन के लिए जो है खुला छोड़ दिया जाए। देख सकते हैं कि अब ये जो है यहाँ पर बिना तालों के जो है आपको ये वॉशरूम दिखेंगे, और वॉशरूम आप आकर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर आप ज़रूर यूज़ करेंगे, बिल्कुल फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई पैसे देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पैसे यहाँ पर देने। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी है, जो कि आपका जो है खुद का अथीक
होता है, खुद का एथिक्स होते हैं कि ह्यूमन एथिक्स जो होते हैं वो ह्यूमैनिटी यहाँ पर दिखानी है आपको। और फिर से एक ही बात आखिर में एक अपील करना चाहूँगा जो हमेशा हम लोगों से करते हैं कि बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप कोई चीज़ चोरेंगे चाहे दिन में या रात में तो कोई भी आपको व्लॉगर पकड़ सकता है, कोई भी आपको फ़ोन पे वीडियो, अगर गाड़ी की बहुत सारे वीडियो जो है बनाते हैं शाम के टाइम पे निकलते हैं तो आप अगर चोरी करेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी के कैमरे पे ज़रूर चढ़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग यहाँ से घूमते हैं, कैमराज ऑन रखते हैं। जब भी मैं यहाँ पर आया था तो मैं भी सोच रहा था कि कोई जो है शायद यहाँ पे तोड़ रहा है चीज़ें, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका, क्योंकि जब ये मैंने देखे जो काम यहाँ पर कर रहे थे उनको मैंने देखा यहाँ पर कि वो काम कर रहे थे, मुझे लगा कि कोई बाहर से जो है आया हुआ शख्स है और वो चीज़ें तोड़ रहा है और मैं भी वीडियो जो है बनाने लग गया। तो अगर आप यहाँ पर चीज़ें तोड़ोगे तो मुझे उम्मीद है कि लोग भी अवेयर हैं आजकल, और जिनके पास फोन है वो आपकी तुरंत वीडियो बनाएंगे और आप दूसरे दिन पकड़े जाओगे। भले ही आप जो है यहाँ की टंकी चोरने की कोशिश करो, यहाँ के जो है पाइप्स चोरने की कोशिश करो, कुछ भी चोरने की कोशिश करोगे तो आपकी वीडियो अगर बन गई तो आपके ऊपर FIRs लग जाएंगी, आपको जो है छूटना जो है दुश्वार हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है, फिर से अपील यही है, हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ अगर आपने माहौल को बदलना है तो आपको खुद भी बदलना पड़ेगा, आपका बिहेवियर बदलना पड़ेगा, चोरियां ना करें। यहाँ पर चोर के सामान ने ले लीजिएगा, हमारी भी कोई भी हो वो यहाँ पर चोरी नहीं करना चाहिए और यहाँ पर चोरी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें यहीं देखने को मिलनी चाहिए। यही अपील जो है वो मैं पब्लिक से करता हूँ। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और देखते रहे द अर्बन रिपोर्ट, और अर्बन रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सुरेंद्र परिहार जो हैं काफी अच्छे से इसको चला रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको फॉलो करें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि आप द अर्बन रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। गाइस कैसे आप सब ठीक होंगे? द अर्बन रिपोर्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे सुरेंद्र परिहार को अच्छे से अच्छे बार कमेंट करें।